नमस्कार। सुदृढ़ देश की पहचान है कि वहाँ पर लोगों की जो शिकायत हो सही तरह से सुनी जाए और उसका निस्तारण समय पर हो, यानी कि इफ़ेक्टिव गवर्नेंस होनी बहुत ज़रूरी है। हमारे देश में पिछले कुछ सालों में गवर्नेंस की तरफ सरकार ने ठोस कदम उठाए और उनके परिणाम सामने आने लगे हैं। आज के खास प्रोग्राम में हम बात करेंगे RBI के इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम के बारे में, जो वर्ष 2021 में चालू की गई। हमारे साथ एक्सपर्ट के तौर पर RBI की चीफ जनरल मैनेजर और RBI इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन हैं रेखा चंदनवेली जी। रेखा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार रेखा जी। चूँकि वर्ल्ड कंज्यूमर डे भी है आज 15 मार्च के दिन, और हम अपने ग्राहकों का हमेशा से ध्यान रखते रहे हैं, किस तरह से ये स्कीम वर्ल्ड कंज्यूमर डे और रिड्रेसल ऑफ एनी ग्रीवियंस और RBI की ये स्कीम किस तरह से इंटीग्रेटेड है एंड हाउ दे आर बेनिफिशियल फॉर एनी इंडिविजुअल बीइंग। आज वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे है। इस अवसर पर हम रिज़र्व बैंक की तरफ से सारे ग्राहकगण को बधाई देना चाहती हूँ और इस मौके का फ़ायदा उठा के रिज़र्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम के बारे में उनको बताना चाहूँगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक इस स्कीम का फ़ायदा उठाए। किस तरह से कोई भी व्यक्ति जिसकी कोई शिकायत है, यानी कि बैंक से किसी तरह की उसे कोई त्रुटि हुई हो या किसी सेवा से वो संतुष्ट नहीं है, किस तरह से अपनी बात, अपनी शिकायत RBI तक इस इंटीग्रेटेड स्कीम में रख सकता है? स्कीम का उद्देश्य ये है कि ग्राहक हमारे द्वारा RBI द्वारा विनियमित संस्था के खिलाफ कोई शिकायत है उनका, तो वो शिकायत हमारे पास वो दर्ज कर सकते हैं। उसका निपटान आसानी से हम इस तंत्र के अंदर कर सकते हैं, बिल्कुल कॉस्ट फ्री। तो शिकायत दर्ज कैसे होगी? शिकायत दर्ज करने का अलग अलग तरीके हैं, और सबसे एफिशिएंट तरीका है ऑनलाइन। हमारा एक ऑनलाइन पोर्टल है विच इज़ सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म, इसका नाम है कंप्लेन मैनेजमेंट सिस्टम, CMS बोलते हैं। शिकायतकर्ता ऑनलाइन इस पोर्टल पर 24/7 कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। और दूसरा मोड है फिजिकल मोड, और फिजिकल मोड की मोड में जो कंप्लेंट आती है उसकी रिसिट हमारा सेंट्रलाइज्ड रिसिट एंड प्रोसेसिंग सेंटर जो चंडीगढ़ में स्थापित है वहाँ पे होता है। और तीसरा मोड है ईमेल, एक सेंट्रलाइज्ड ईमेल ID है crpc@rbi.org.in, उसी में जाके आप ईमेल भी फुल डिटेल्स के साथ डाल सकते हैं। पोर्टल का CMS पोर्टल का एड्रेस है https://cms.rbi.org.in, और ईमेल ID है crpc@rbi.org.in। रेखा जी, आपसे जानना चाहेंगे ये ओम्बड्समैन स्कीम क्या है, एक्चुअली विस्तार से इसके बारे में जानना चाहेंगे। रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम एक ऑल्टरनेट रिड्रेसल मैकेनिज्म है। इसके तहत हमारे ग्राहक जो हमारे द्वारा रेगुलेटेड एंटिटीज़ के खिलाफ शिकायत अगर डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, लेकिन ये एक ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म होने के नाते पहले ग्राहक को अपना शिकायत इन रेगुलेटेड इंटरनल रेगुलेटेड एंटिटीज़ के इंटरनल मैकेनिज्म के अंदर पहले दर्ज करना पड़ेगा। उसके बाद अगर उनको उन रेगुलेटेड एंटिटीज़ से जवाब नहीं मिल रहे 30 दिन के अंदर, या उस जवाब से वो खुश नहीं है, तो आप ग्राहक रिजर्व बैंक लोकपाल के पास अपना शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो मित्रों, ज़रूरी ये है कि सीधे शिकायत RBI के पास भेजने की बजाय पहले आप जिस भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपकी जो शिकायत है, जो नाराज़गी है, उनकी अपनी इंटरनल जो मैकेनिज्म है ग्रीवेंस रिड्रेसल की, उन्हें अटेम्प्ट कीजिए। 30 दिन में आपकी बात अगर जवाब नहीं देते हैं या आपके शिकायत के निस्तारण से आप संतुष्ट नहीं हैं, तो फिर आप RBI के पास आ सकते हैं। ऑल्टरनेट रिड्रेसल मैकेनिज्म, चूँकि हमारी जुडिशरी भी इसको इंसिस्ट करती है, और हम एक सोशल सिस्टम की हम बात करें तो हमेशा ये कहा जाता है विवाद हमेशा बैठकर बातचीत से सुलझाए जाते। योर टेक ऑन दैट, ये अल्टरनेट रिड्रेसल मैकेनिज्म क्या है? RBI के ऑल्टरनेट रिड्रेसल मैकेनिज्म के 3 हिस्से हैं। एक तो RBI का इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन,
जो इस योजना के अंदर काम करता है। दूसरा है हमारा कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन सेल जो हमारे क्षेत्रीय कार्यालयों में स्थित है। तीसरा है एक केंद्रीय हमारा केंद्रीय कार्यालय जो कि कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट है। आप जानते हैं जो भी फैसला इस मैकेनिज्म के अंदर हो जाता है ग्राहक इसका अपील कर सकते हैं। तो अपीलेट हमारा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, उनका सेक्रेटेरिएट का काम करते हैं ये केंद्रीय कार्यालय। तो ये तीन हिस्से हैं हमारा फ्रेमवर्क का। जी रेखा जी, जानना चाहेंगे कि ये इंटीग्रेटेड जो स्कीम वर्ड है, इसमें एक इंटीग्रेटेड शब्द है, इसके क्या मायने हैं और इस स्कीम के दूसरे क्या क्या बेनिफिट्स हैं? जी, आरबीआई के इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 2021, इसका आरंभ 12 नवंबर 2021 में हुआ। इसके पहले आरबीआई के तीन योजनाएं हुआ करते थे। एक है बैंकिंग लोकपाल योजना 2006 और नॉन बैंकिंग फिनेंशियल कंपनीज लोकपाल योजना 2018 और डिजिटल लेन देन लोकपाल योजना 2019। इन तीनों योजनाओं को इंटीग्रेट करके रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना बनाया गया है। इसका एक फ़ायदा है कि इस योजना को एक राष्ट्र एक ओम्बड्समैन के दृष्टिकोण से बनाया गया है और इस योजना के अंदर बहुत सारे और रेगुलेटेड एंटिटीज़ को भी कवर किए गए हैं, जैसे कि नॉन शेड्यूल प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स लेकिन विद सम कट ऑफ्स। और इसके अंदर शिकायत दर्ज करने का और प्रोसेसिंग करने का तरीका बिल्कुल आसान, सरल और सुतार्य बनाया गया है। और किस अगर मान लीजिए अगर कोई फिजिकल बैठक की आवश्यकता होती है, फिजिकल मीटिंग की आवश्यकता होती है, तो फिर स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है, किस तरह से पार्टिसिपेशन होगा? जैसे कि मैंने बताया है, इस एकीकृत योजना को एक राष्ट्र एक ओम्बड्समैन के बेसिस पर बनाया गया है, इसलिए ओम्बड्समैन का कोई ज्यूरिस्डिक्शन नहीं है, ज्यूरिस्डिक्शन न्यूट्रल हो गया है। इसका ग्राहक के लिए ये मतलब हुआ कि उनको ये सोच के बिल्कुल फिकर करने की ज़रूरत नहीं है कि वो उनका वो कहाँ पर स्थित है या जिस एंटिटी के खिलाफ वो शिकायत करना चाहते हैं वो कहाँ पर स्थित है। बिकॉज एंटायर कंप्लेंट प्रोसेसिंग फ्रॉम द टाइम टू लॉजिंग से लेके लॉजिंग ऑफ द कंप्लेंट से लेके निपटान तक एक सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म में होता है, तो इस बारे में उनको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो जुरिस्डिक्शन का कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं है, कंज्यूमर फर्स्ट। एक अच्छी नीति में हमेशा यही बात होती है कि जब हमारा जो बेनिफिशरी है हम उसे पहले रख करके और फिर पूरे प्रोसेस को, पूरे सिस्टम को डिज़ाइन करें, तो निश्चित तौर पर हमारा जो एक मूल भावना होती है कि हम लोगों को सर्व करना चाहते हैं वो एड्रेस होती है। मैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ता हूँ कि अगर मान लीजिए लोकपाल के पास शिकायत गई और उसका निस्तारण हो गया, फिर भी अगर किसी को तसल्ली नहीं हुई तो क्या उस पर भी कोई आगे कार्रवाई की जा सकती है? आप अपील की बात कर रही हैं। अपील बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन हमारे योजना के मुताबिक सर्टेन स्पेसिफिक क्लॉजेज आर देयर, उसी के ऊपर अगर शिकायत का निपटान हुआ है तब भी आप हमारे डिसीजन के अगेंस्ट अपील कर सकते हैं, जैसे कि 16(c) से लेकर एफ तक जो क्लॉजेज हैं, अगर उनके ऊपर शिकायत का निपटान हुआ है तो आप अपील कर सकते हैं। वो जो कंप्लेन करने वाला व्यक्ति है उसे वो रिप्लाई की बारे में भी पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे एकीकृत लोकपाल योजना के अंदर जब कंप्लेन की निपटान होती है वो बिल्कुल एंड टू एंड एक ट्रांसपेरेंट मैनर में होती है। जब कंप्लेन का दर्ज पहले हो जाती है तो वो पोर्टल में रजिस्टर्ड हो जाती है और कंप्लेन का एक संख्या असाइन की जाती है और वो संख्या को लेके कंप्लेनेंट को एक एक्नॉलेजमेंट रिसिट भेजा जाता है और इस संख्या से संख्या के बेसिस पर कोई भी स्टेज पर क्या स्टेज है उनका शिकायत वो इस पोर्टल में ट्रैक कर सकते हैं और कोई भी स्टेज में अगर कंप्लेन को विड्रॉ करना चाहते हैं वो भी पॉसिबल है जी। और निपटान होने के बाद हम एक निपटान पत्र शिकायतकर्ता को भेजते हैं, विच इज़ अ वेल रीजन्ड क्लोजर लेटर जहाँ पे कंप्लेन कैसे निवारण हुआ है, इसका कौन से क्लॉज के अंदर निवारण हुआ है, सब कुछ
लिखा हुआ होता है। और आपने कहा ये एक ज्यूरिसडिक्शन वाइज न्यूट्रल मैकेनिज्म है, सेंट्रलाइज मैकेनिज्म है। विविधता की कारण हमारी भाषाएं अलग अलग हैं, तो ऐसे में किन किन भाषाओं में हम अपनी शिकायत इसमें रख सकते हैं? शिकायत पोर्टल में आप हिंदी और इंग्लिश में डाल सकते हैं, लेकिन पोर्टल के अंदर एक प्रोविज़न है जहाँ पे आप अपना शिकायत का डिटेल्स देते हैं, उधर आप कोई भी भाषा में 2000 वर्ड्स का रिस्ट्रिक्शन है, कोई भी भाषा में अपना शिकायत लिख के उधर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। सिस्टम विल प्रोसेस। शिकायतें अंतहीन हो सकती हैं, लेकिन जब भी हम किसी फ्रेमवर्क में आते हैं तो डेफिनेट ग्राउंड्स होते हैं। रेखा जी, आपसे जानना चाहेंगे शिकायतों के क्या क्या ग्राउंड्स इसमें निहित किए गए हैं? एकीकृत लोकपाल योजना में सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि इसमें ग्राउंड्स ऐसा स्पेसिफाइड नहीं है। पहले जो योजनाएँ हुआ करता था उसमें ग्राउंड्स वे स्पेसिफाइड, लेकिन इस योजना के अंदर सिर्फ ये बताया गया है कि कोई डेफिशिएंसी है रेगुलेटेड एंटिटीज़ के सेवा में। अगर उनके सेवा में जो उनसे कोई सेवा आपको उपलब्ध होना चाहिए और उस सेवा में कोई भी कमी हो और उस कमी से आपका कोई वित्तीय नुकसान हुआ हो ना भी हुआ हो, उसके आधार पर आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। जी, हर शिकायत के लिए एक लिमिटेशन पीरियड हमेशा होता है, ऐसा नहीं कि आप 10 वर्ष बाद आ रहे हैं, कि इसमें भी किसी प्रकार का कोई टाइम लिमिटेशन है? शिकायत पहले आपको रेगुलेटेड एंटिटी के इंटरनल मैकेनिज्म में ही दर्ज करना चाहिए, उसके बाद उनसे अगर जवाब 30 दिन के अंदर नहीं मिलता है और जो नहीं या उनके जवाब से आप खुश नहीं हैं तो लोकपाल तंत्र में आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अगर आपको कोई जवाब रेगुलेटेड एंटिटी से कोई जवाब मिल ही नहीं रहा है तो आप 1 साल और 30 दिन तक कभी भी लोकपाल तंत्र में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। लेकिन आपको जवाब मिल गया है और उस जवाब से आप खुश नहीं है तो उस जवाब मिलने का तारीख से 1 साल तक कभी भी आप लोकपाल के पास शिकायत दर्ज कर सकते हैं। जब भी कभी आपकी प्रॉब्लम या जो ग्रीवियंस है या जो शिकायत है उसका निस्तारण हो, तो हमारी आदत होती है कि हम अरे अब आगे कहाँ जाएँ, क्यों जाएँ, तो उस भाव से हमें ऊपर उठना है और अपनी बात को आगे लेकर आना चाहिए, और इतने इजी प्लेटफॉर्म पर ये अवेलेबल है। किस तरह की एंटिटीज़ को इसमें शामिल किया गया है, और अगर कोई एंटिटी अगर इसमें शामिल नहीं है तब क्या? 4 कैटेगरीज ऑफ रेगुलेटेड एंटिटीज़ को इस योजना में शामिल की गई है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बैंक्स, उसमें पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, फॉरेन बैंक्स, स्मॉल फिनेंस बैंक्स, पेमेंट बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, लोकल एरिया बैंक्स, शेड्यूल्ड प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स आ जाते हैं, और नॉन शेड्यूल्ड प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स भी आ जाते हैं जिनका जमा आकार 50 करोड़ या उसके आगे हैं। ये एक कैटेगरी है। दूसरा कैटेगरी है NBFCs, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ जिनका पंजीकरण RBI के साथ है, जो डिपॉजिट्स ले सकते हैं और जिनका आस्थिक आकार 100 करोड़ या उसके ऊपर है। और तीसरा है पेमेंट सिस्टम पार्टिसिपेंट्स, भुगतान प्रणाली प्रतिभागियाँ, उनको वो प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स इश्यू करते हैं, डिजिटल ट्रांजैक्शंस को फैसिलिटेट करते हैं जैसे कि UPI, NEFT, RTGS वगैरह, उनको भी इस योजना के अंदर शामिल की गई है। और साख सूचना कंपनियां, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियां, वो भी इस योजना के अंदर शामिल है। आपका दूसरा सवाल था अगर ये इन कैटेगरीज में बाहर हो तो उसके लिए भी संविधान है। अगर इस कैटेगरीज में वो कवर नहीं हो रहे हैं, उस तरह की एंटिटीज़ के कंप्लेंट्स आप दर्ज तो उसी मोड में करेंगे जैसे आप कर रहे हैं, लेकिन उसका निपटान हमारा कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन सेल करते हैं जो हमारे क्षेत्रीय कार्यालयों में स्थित है। लोकपाल एक चर्चित शब्द है, RBI लोकपाल कौन होते हैं, या उसके नीचे के जो और बाइफर्केशंस की हम बात करें वो कौन होते हैं और कहाँ कहाँ स्थित होते हैं? जी, RBI इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन एक रिजर्व बैंक के एक वरिष्ठ अधिकारी है जिनको इस योजना के अंदर नियुक्त किया गया है।
इस योजना के अंदर जो शिकायतें दर्ज की जाती है उसको उसका निपटान के लिए, और उस शिकायत का आधार होना चाहिए डेफिशिएंसी इन सर्विसेज. डेफिशिएंसी इन सर्विसेज क्या है ये भी योजना में दी गई है. जिस जैसे कि पहले हमने बताया कि जो सर्विस आपको उपलब्ध फिनेंशियल सर्विस उपलब्ध होना चाहिए उसमें कोई कमी रह गई हो, उस कमी से आपका फिनेंशियल नुकसान हो सकता है ना भी हो सकता है, उस आधार पर आप रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन के योजना के अंदर शिकायत दर्ज कर सकते हैं. और एक डिप्यूटी ओम्बड्समैन भी है, वो ओम्बड्समैन को असिस्ट करते हैं. और इस योजना के अंदर हम ज़्यादातर एक समझौते के बल पर शिकायत को शिकायत का निवारण करने की कोशिश करते हैं, और उस हिसाब से जो शिकायतें निपटाते हैं वो डिप्यूटी ओम्बड्समैन करते हैं. पूरा विश्व इस बात को बल देता है कि बातचीत के जरिए जो है समाधान निकलना चाहिए. हमें भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारा उद्देश्य झगड़ा करना नहीं है, हमारी जो बात है, हमें जो तकलीफ़ है वो रखें, और अगर वो बातचीत के ज़रिए यानी कि समझाइश के तौर पर या समझौते के आधार पर अगर उसका निदान मिल रहा हो तो हमें उसे स्वीकार भी कर लेना चाहिए. आगे की तरफ बढ़ते हैं. मैंने अभी एक टर्म कहीं पढ़ रहा था, सेंट्रलाइज CRPC एक टर्म है, मैं पढ़ रहा था. क्या ये कोई कानूनी IPC CRPC जैसा है या RBI की कोई अलग टर्म जी, है? जी, इसका फुल फॉर्म है सेंट्रलाइज्ड रिसीट्स एंड प्रोसेसिंग सेंटर, जो चंडीगढ़ में स्थित है. इसका मुख्य उद्देश्य है फिजिकल मोड में जो कंप्लेंट्स आते हैं उसको रिसीव करना और उसको प्रोसेस करना, उसके बाद CMS में अपलोड करना. जी रेखा जी, कई बार देखने में आता है कि शिकायतकर्ता को लगता है कि उसकी शिकायत बहुत जेन्युइन है, उसे इंडिविजुअली ऐसा लगता है, लेकिन हम व्यवस्था के तौर पर देखते हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो कंप्लेंट मेंटेनेबल हो. किस तरह की कंप्लेंट्स नॉन मेंटेनेबल कैटेगरी में आती हैं? हमारे योजना के अंदर क्लॉज 10 के अंदर ये प्रिस्क्राइब किया गया है कि कौन कौन से ग्राउंड्स में कंप्लेंट्स नॉन मेंटेनेबल हो सकता है. सबसे पहले मैं FRCs जो हम बोलते हैं फर्स्ट रिसॉर्ट कंप्लेंट्स को नॉन मेंटेनेबल बोलते हैं, नॉन मेंटेनेबल बनाते हैं, क्योंकि जैसे कि हम शुरू में बताया गया ये एक ऑल्टरनेट रिड्रेसल मैकेनिज्म है, इसलिए हम शिकायतकर्ता पहले RBI ओम्बड्समैन के पास नहीं आ सकते हैं. अगर पहले हमारे पास आ जाते हैं तो हम इसको फर्स्ट रिसॉर्ट कंप्लेंट बोल के नॉन मेंटेनेबल बना देते हैं. और दूसरा ये है कि रेगुलेटेड एंटिटी के पास कंप्लेंट दर्ज करने के बाद आपको उनको 30 दिन का टाइम देना चाहिए, और उसके बाद ही आप ओम्बड्समैन के पास कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं. उसके पहले आप अगर इस प्लेटफॉर्म में कंप्लेंट दर्ज करते हैं तो नॉन मेंटेनेबल हो जाते हैं. सिमिलरली कोई भी शिकायत जो सब्जुडाइज्ड है किसी और कोर्ट के सामने या ट्राइब्यूनल के पास सामने आर्बिट्रर के पास सामने पड़ा है तो वो भी नॉन मेंटेनेबल हो जाते हैं. कोई भी रिपीट कंप्लेंट जिसका निवारण हो चुका है और फिर वापस आप उसी मुद्दे को लेके कंप्लेंट दर्ज कर रहे हैं वो भी हम नॉन मेंटेनेबल बना देते हैं. और इस तरह बहुत सारे ग्राउंड्स हैं दो रेगुलेटेड एंटिटीज़ के बीच के शिकायत, एक वेंडर और वेंडी के बीच के शिकायत. सेवा में कमी होना बहुत ज़रूरी है इस फ्रेमवर्क के अंदर निपटान करने के लिए, शिकायत का निपटान होने के लिए सेवा में कमी होना बहुत ही ज़रूरी है. तो दो वेंडर वेंडी रिलेशनशिप के बीच का जो शिकायत है वो नहीं कर सकते, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई के बीच के और मैनेजमेंट ये रेगुलेटेड एंटिटीज़ के मैनेजमेंट या अफसरों के अगेंस्ट के कंप्लेंट्स ये सब इसके अंदर नॉन मेंटेनेबल हो जाते हैं. यानी कि आप पहली महती आवश्यकता है यू मस्ट बी अ कंज्यूमर, द रिलेशन शुड बी विद द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज दैट यू आर अ कंज्यूमर, और किसी प्रकार की सेवा जो आपको आश्वस्त की गई है उस सेवा में दोष पाया गया है तो ही वो आपकी कंप्लेंट मेंटेनेबल कंप्लेंट की कैटेगरी में आएगी. बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी बात ठीक से नहीं रख पाते हैं, खास तौर से रिमोट एरिया में रहने वाले हैं या उम्रदराज लोग हैं या बहुत व्यस्त लोग हैं. क्या वो अपना कोई नॉमिनी या कोई रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर सकते हैं अपनी बात आप तक पहुंचाने के लिए? जी बिल्कुल कर सकते हैं. उसके लिए भी सुविधा है पोर्टल के अंदर. आपको एक ऑथराइजेशन देना होगा
आप किसी भी प्रतिनिधि द्वारा हमारे पास कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं, लेकिन एडवोकेट के द्वारा नहीं। एडवोकेट खुद ग्राहक है तो पॉसिबल है, लेकिन वो किसी को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। हर काम की बेहतरी करने के लिए फीडबैक मैकेनिज्म्स रखी जाती हैं। इस पूरी व्यवस्था में क्या किसी प्रकार की फीडबैक मैकेनिज्म का प्रोविजन है? जी, पोर्टल में एक टैब है, फीडबैक टैब, वहाँ जाके ग्राहक अपना फीडबैक दे सकते हैं। हम पीरियोडिकली इस फीडबैक को एनालाइज करते हैं और सिस्टम को इम्प्रूव करने की कोशिश भी करते हैं। जी, आप तक पहुँचने के लिए कॉन्टैक्ट सेंटर्स क्या है? हम तक पहुंचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने बताया एक सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन फिजिकल मोड और ईमेल के थ्रू हमारे पास कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट मतलब हमारे पास शिकायत दर्ज कर सकते हैं, लेकिन हमारे इस मैकेनिज्म के बारे में पूरा जानकारी हमारा एक कांटेक्ट सेंटर है, वो भी चंडीगढ़ में है। वहाँ पे आप कांटेक्ट करके जो पूरा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और कंप्लेंट कैसे दर्ज किया जा सकता है इस पोर्टल में, उसका भी जानकारी वहां से प्राप्त कर सकते हैं। वहां एक IVR मैकेनिज्म है, उसका टेलीफोन नंबर है 1-444-8। अगर वो 24 घंटा इस पोर्टल की तरह, हमारी पोर्टल भी 24/7 का पोर्टल है, ये कॉन्टैक्ट सेंटर भी IVR का सुविधा तो 24/7 है। अगर आप किसी कर्मचारी से बात करना चाहते हैं तो आपका हिंदी में और अंग्रेज़ी में आप बात कर सकते हैं। टाइमिंग्स 8 AM to 10 PM है। अगर कोई क्षेत्रीय भाषा में बात करना चाहते हैं तो 10 क्षेत्रीय भाषाओं में आप बात कर सकते हैं। टाइमिंग्स थोड़ा सा अलग है, 9:30 AM को लेके 5:15 PM तक है। रेखा जी, जानना चाहेंगे, एक बार जब शिकायत दर्ज हो जाती है तो सबसे पहले तो किस तरह की इन्फॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, दूसरा उसके बाद स्टेजेस क्या होती है, और कोई व्यक्ति जो दूर से है और फिजिकली नहीं आ सकता है तो किस तरह से वो अपनी बात आप तक पहुंचाने के लिए वन ऑन वन अगर कैसे बात कर सकते हैं? कई मोड्स में वो शिकायतकर्ता हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फिजिकली तो आ सकते हैं, अगर वो पॉसिबल नहीं है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हमारे साथ मीटिंग्स में जुड़ सकते हैं। उसके लिए हमारे कोई भी नियर बाय RBI कार्यालय को उनको उधर से वो कनेक्ट कर सकते हैं, या किसी रेगुलेटेड एंटिटी के ब्रांचेस से जो उनके पास है उनसे भी आप कनेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा वेबएक्स का ऑप्शन है और ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग का भी ऑप्शन है। और आपकी बात है, कौन कौन सा आपकी क्वेश्चन था, कौन कौन सा डिटेल्स चाहिए होता है, तो नाम, एड्रेस, एज और जेंडर चाहिए, और उनका ईमेल पता, फ़ोन नंबर बहुत ज़रूरी है, मोबाइल नंबर बहुत ज़रूरी है, ताकि हम मैंडेटोरी नोटिफिकेशंस उनको भेज सकते हैं। और जिस एंटिटी के खिलाफ वो शिकायत कर रहे हैं उनके डिटेल्स भी ज़रूरी है, ब्रांच कहाँ है, उनका पता क्या है, और आपका ये मान के चलना है कि आप पहले इन एंटिटीज़ के पास अपना शिकायत लेके गए हो, तो वो कब गए हैं, ताकि हम देख सकें कि उनको 30 दिन का विंडो दिया गया है कि नहीं, और वो शिकायत दर्ज करने का डिटेल्स चाहिए, और हम क्या रिलीफ चाहते हैं आप ओम्बड्समैन से, वो भी आपको स्पेसिफाई करना होगा। और एक डिक्लेरेशन भी देना होता है कि ये कंप्लेंट नॉन मेंटेनेबल नहीं है। हमारे क्लॉज 10 में हमने इसके बारे में पहले बात किया है, वो उस क्लॉज 10 के मुताबिक ये कंप्लेंट नॉन मेंटेनेबल नहीं है, ये भी देना पड़ता है। ये डिटेल्स चाहिए पोर्टल में कंप्लेंट लॉन्च करने के लिए। जी। और स्टेजेस, फर्स्ट स्टेज है रजिस्टर होना, कंप्लेंट का रजिस्टर होना, और उसके बाद उसका एक कंप्लेंट नंबर असाइन हो जाती है, और उसके बाद फर्स्ट स्टेप ये स्थापित करना कि एक कंप्लेंट मेंटेनेबल है या नॉन मेंटेनेबल है। अगर नॉन मेंटेनेबल है तो उसका कंप्लेंट तुरंत बंद हो जाते हैं और एक निपटान पत्र भेज दिया जाता है शिकायतकर्ता को, ये कह के कि आपका कंप्लेंट नॉन मेंटेनेबल है। अगर मेंटेनेबल है तो थ्री सिनारियोज आर देयर। एक तो जैसे हमने पहले बताया कि हम एक समझौते के बल पर निपटान निवारण करना चाहते हैं शिकायत का, और अगर एक एग्रीमेंट के बेसिस पर निपटान हो जाते हैं तो इसके लिए
एक और आदेश या अवार्ड इश्यू करने की ज़रूरत नहीं है, वो डिसीजन बाइंडिंग हो जाती है शिकायतकर्ता उनके ऊपर और रेगुलेटेड एंटिटी के ऊपर। अगर समझौते से बात निवारण नहीं होता है, शिकायत निवारण नहीं होती है, फिर पूरा जांच होने के बाद दोनों शिकायतकर्ता को और रेगुलेटेड एंटिटी को मौका दिया जाता है अपना बात रखने का। उसके बाद ओम्बड्समैन ये निर्णय लेता है कि अगर रेगुलेटेड एंटिटी के सेवा में कोई कमी रह गई हो कि नहीं, अगर रह गया है तो उनको आदेश दिया जाता है, एक एडवाइजरी इश्यू की जाती है एक टाइमलाइन के साथ, उस टाइमलाइन के अंदर रेगुलेटेड एंटिटी को उसका पालन करना पड़ता है। अगर अगर ये निर्णय हो जाता है कि उनके सेवा में कोई कमी नहीं है, शिकायत को रिजेक्ट की जाती है। हर जो भी फैसला हो एक निपटान पत्र द्वारा शिकायतकर्ता को उसका खबर दी जाती है। जी, अगर कोई इस पूरी स्कीम के बारे में जानना चाहता है तो कहाँ से स्कीम का डॉक्यूमेंट मिल सकता है? पूरा डॉक्यूमेंट हमारे वेबसाइट जो है आरबीआई के वेबसाइट www.rbi.org.in है, वहाँ आपको लिंक मिलेगा, पूरा डॉक्यूमेंट जी वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। जी रेखा जी, ग्रीवियंस के बाद जो भी एडवाइजरी इशू होती है अगर उसकी कंप्लायंस नहीं होती है तो क्या होगा? वो एडवाइजरी का एक टाइमलाइन, डेफिनेट टाइमलाइन होती है और हम रेगुलेटेड एंटिटी को वो बता देते हैं। अगर उसमें उसका पालन नहीं होता है वो अवार्ड में बदल जाता है, और अवार्ड का इश्यू होने के लिए अवार्ड को पहले ग्राहक को या शिकायतकर्ता को एक्सेप्ट करना होता है 30 दिन के अंदर, और उनके एक्सेप्ट होने के बाद विदिन 30 डेज रेगुलेटेड एंटिटी को उसका पालन करना चाहिए, नहीं तो अपील करना चाहिए। और हमारा अपेलेट है, हमारा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो उनका भी पता हमारे वेबसाइट में, वो पोर्टल के थ्रू या ईमेल के थ्रू भी आप उनको अपील कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई किसी तरह की इरेगुलरिटीज पाई गई हैं तो किसी तरह के पेनिटिव मेजर्स का इसमें प्रोविजन है? जी बिल्कुल प्रोविजन है, उसमें एक सीमा भी इस योजना के अंदर प्रिस्क्राइब की गई है। जब आपका शिकायत का राशि कुछ भी हो सकता है, उसमें कोई सीमा नहीं है, लेकिन आप जितना क्षतिपूर्ति मांग सकते हैं और जितना क्षतिपूर्ति लोकपाल दिलवा सकते हैं उसमें 20 लाख का सीमा है, 20 लाख और या इसके नीचे। इसके अलावा मानसिक पीड़ा, हरासमेंट, इसको लेके 1 लाख का भी कॉम्पनसेशन लोकपाल दिलवा सकते हैं। यानी कि जो अभी आपका फाइनेंशियल लॉस हुआ है वो तो कंपनसेट होगा ही, और साथ साथ आपके मेंटल हरेसमेंट के लिए जो अलग से प्रोविजन 1 लाख रुपीज़ का इसमें रखा गया है। आज के इस प्रोग्राम का मूल उद्देश्य था आप तक इस बात को पहुंचाना दूरदर्शन के माध्यम से कि आपको अगर बैंकिंग सिस्टम से लेकर के या RBI द्वारा गवर्न जितनी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे मिलने वाली सेवाओं में कोई दोष पाया जाता है तो आप निराश ना हो, शुभ ना हो, मन मायूस करके ना बैठे, उसके लिए समाधान है, RBI आपके पास है और उससे पहले की बहुत सारी व्यवस्थाएं भी बनी हुई हैं। अल्टीमेट टारगेट यह है कि आप जागें, अपने हक के लिए जागें, और जहां भी शिकायतें हैं उनका समाधान निश्चित तौर पर एक समाधान है, उनको अवेल करें, इन स्कीम के डॉक्यूमेंट्स को पढ़ें, खुद भी जागरूक हों औरों को भी जागरूक करें। उम्मीद करते हैं आज की चर्चा पसंद आई होगी, और चलते चलते रेखा जी आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप RBI की इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन हैं, उस पद के नाते और एक लोकपाल होने के नाते आपने हमें महत्वपूर्ण योजनाएं, महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद के साथ कि आगे फिर कभी आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे और RBI की जो दूसरी स्कीम्स हैं उनके बारे में जानकारी लेंगे। धन्यवाद।